नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। बहुत बड़ी खुशखबरी है और जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था आप सभी को, वो वैकेंसी आपके लिए आ गई है। लगातार एक साल इंतजार कर रहे थे और अब इंतजार का समय समाप्त हुआ है। अलाहाबाद हाई कोर्ट से ग्रुप सी और डी की वैकेंसी, और वो भी कम नहीं, 3992 पद। मतलब जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, मैंने आपको पहले ही बताया था 3400-3500 वैकेंसी आ रही है, बट इन्होंने बढ़ी है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसमें और भी फर्दर इंक्रीज हो सकती है, 4000 प्लस पद टोटल जा सकते हैं। तो चैनल पे अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और सारी डिटेल मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूं, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका पैटर्न है, क्या पहले कट ऑफ था, कितना ज्यादा मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ था, क्या इस बार नया है, कैसी टाइपिंग है, किस फॉन्ट की टाइपिंग है, स्टेनो में क्या करना है, एक सही रणनीति क्या होनी चाहिए, सिख सब कुछ A to Z सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। सबका फॉर्म फिलिंग से लेकर आपकी तैयारी तक, आपके सिलेक्शन तक सारी जानकारी आपको 15 मिनट में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आते हैं हम लोग अलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी डी की बात करें, तो एक साल पहले से ही मैं आपको बता दिया था कि आपकी ये वैकेंसी आने वाली है। हालांकि किन्हीं कारणों से थोड़ा सा लेट हुआ है, बट जब अब आ गई है तो आ गई है। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि इस बार समय बहुत कम मिलने वाला है। अभी जो अलाहाबाद हाईकोर्ट है उसने ये तो नहीं बताया है कि परीक्षा तिथि कब है, बट बहुत कम समय में ये परीक्षा करवाएगी। और इससे पहले जो अलाहाबाद हाईकोर्ट की आर ओ यारू की परीक्षा थी, उसमें जो टेक्निकल के चक्कर में पूरी वैकेंसी बर्बाद कर दी थी, एनटीए की जो टेक्निकल कहीं उनकी बहुत बड़ी दिक्कत थी और टाइपिंग और सब कुछ लेके, वो पूरा सब कुछ हटाते हुए इस बार पेपर क्या कर दिए, ऑफलाइन मोड में कर दिए हैं, सीबीटी मोड नहीं होगा। ये बहुत बड़ा बदलाव हो गया, इस बात को समझिएगा। इससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत धांधली पे भी, और एक बात बोले कि जो पिछली बार जो बच्चे जिसकी भीड़ चढ़ते टेक्निकल इशू के चलते अच्छे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, और जो बच्चे नॉर्मल थे उनका भी सिलेक्शन हो गया था, वो इस बार थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लगाम लगेगी। तो एज क्वालिफिकेशन, सिलेबस, टाइपिंग, कोचिंग, कट ऑफ, स्टेनो, सबके बारे में आपको यहां पे बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपकी जो डिटेलिंग है वो मैं आपको दे देता हूं कि क्या आपके लिए यहां पे जरूरी है। तो ये देखो, ये इसका उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट 2022-23 हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल एट अलाहाबाद दिया है। इसमें इन्होंने 3 कैटेगरी के निकाले, हालांकि 4 कैटेगरी की वैकेंसी है। कौन कौन सी है, पहली तो मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे जो सब कोर्ट स्टेनोग्राफर है, इसमें कैटेगरी सी में स्टेनोग्राफर, वो भी Grade 3 का है, जिसका ग्रेड पे जो होता है बच्चों 2800 ग्रेड पे होता है, और इसकी उम्र जो होती है 1840। सारी वैकेंसीज में 18 से 40 की एज है, तो एज के लिए किसी को कोई परेशान नहीं होना है। जिसमें जैसा रिलैक्सेशन होता है सबको वैसा ही रिलैक्सेशन मिल रहा है, कोई इसमें वो दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छी बात है, सबसे ज्यादा पद जो हैं वो भी किसमें आए हैं, स्टेनोग्राफर में आए हैं, 1186 पद आए हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जितनी वैकेंसीज है वो सही, उसके बाद कुछ इनमें क्या किए हैं, इस बार अप्रेंटिस का भी रखे हैं, जो आगे इसमें क्लरिकल कोर वाले, जूनियर असिस्टेंट वाले में, जिसकी मैं चर्चा करूंगा। तो आपकी 1021 तक आप आते हो, 1021 तक लोग को सेलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद क्या किया जाएगा, इसमें अप्रेंटिस के लिए भी दिया जाएगा, पेड अप्रेंटिस है। तो ये बहुत अच्छी इस बार वैकेंसी है, इस बार फॉर्म आप लोग सभी भरो। और सबसे पहली बात जो सबसे ज्यादा बच्चे पूछते हैं वो ये है कि क्या सर सभी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। हाँ बच्चों, सभी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। चारों के एग्जाम अलग अलग दिन पे होंगे, अलग अलग समय पे होंगे, कोई भी एक साथ क्या होगा, ओवरलैप नहीं करेगा, चारों के पेपर अलग बनेंगे। जो आपका स्टेनो का है उसका पेपर थोड़ा सा 20 होगा, जो आपका जूनियर असिस्टेंट अप्रेंटिस वाला है उसका पेपर 19 होगा, और ऐसे ही ग्रुप डी वाले थोड़ा 18 होगा, इतना समझ के चलो। लेवल थोड़ा सा कम होगा, बट पैटर्न और वो सारी चीजें आपकी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। इसमें आपको मैंने ग्रेड पे बता दिया 2800 ग्रेड पे, आप इस बात को ध्यान देना। चाहिए क्या, तो इसमें स्टेनो के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद आपका सबसे बड़ी बात जो है, इसमें बाकी वैकेंसीज में तो नहीं मांगता, स्टेनो का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा की स्टेनो के आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई भी डिप्लोमा या जनरल जो आपका होता है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अच्छा, इसने ये नहीं बोला है कि वो किसके गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव या किसके द्वारा अप्रूव, तो यहां पे थोड़ा बहुत सारे बच्चे ही बनवा लेंगे, ये मुझे पता है। इसके बारे में हो सकता है आयोग अलग से या अलाहाबाद हाईकोर्ट अलग से डिक्लेरेशन दे, बट अभी इतना बोला है ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी अलॉन्ग विद ट्रिपल सी सर्टिफिकेट इश्यूड बाई नीलेट। तो ठीक है, अभी क्योंकि ट्रिपल सी सर्टिफिकेट बोला है नीलेट, लेकिन क्योंकि हाईकोर्ट ही नहीं बोला था कि ट्रिपल सी के समकक्ष बाकी चीजें हैं वो भी मान्य होगा, तो वो सारे मान्य होंगे। ऐसा नहीं है कि केवल ट्रिपल सी वाले ही भर सकते हैं, उसके समकक्ष वाले भर सकते हैं, क्योंकि ये हाईकोर्ट के द्वारा ही आदेश आ चुका है, इस बात को आप समझिएगा। तो इसके लिए चिंता नहीं करना है, ग्रेजुएशन सभी का होता है, ग्रेजुएशन के लिए कोई स्पेशल नहीं मंगा है। सिंपल ग्रेजुएशन, आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कुछ भी हो, आप बीटेक हो,
समथिंग कुछ भी हो, आप ग्रेजुएशन हो, डिप्लोमा नहीं चलेगा। यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए, 3 या 4 साल की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, डिप्लोमा नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसमें जो स्पीड है, अब एक बात समझना कि एक चीज और है कि स्टेनो वालों को भी पहले टाइपिंग करना पड़ेगा, जैसे ग्रुप सी वालों को करना पड़ेगा। इसको मैं पहले बता देता हूं, फिर स्टेनो का बताऊंगा। इसमें आपका क्या होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, और पहले अगर पेपर का पैटर्न देखा जाए, 25-25-25-25 होता है। क्या पूछता है, मैथ्स पूछता है, इंग्लिश पूछता है, हिंदी पूछता है, और जीएस पूछता है। रीजनिंग नहीं पूछा जाता, ये बात ध्यान देना। केवल 4 पार्ट होंगे, 25-25-25-25 पूछा जाता था। इस बार एनटीए कराया है, तो जैसे आरओ आरओ में पहले इंग्लिश 50 पूछता था, तो पैटर्न बदल दिया था, इंग्लिश में 10-15 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार भी तैयार रहना कि हो सकता है पैटर्न बदल जाए, बट टोटल क्वेश्चन 100 ही रहेंगे। ऑफलाइन पेपर है, ऐसा हो सकता है ये सेक्शन वाइज ना देके एक कॉमन ही पेपर बना दे, सफर्ड पेपर बना दे, और हो सकता है मैथ्स की क्वेश्चन ज्यादा हो जाए। मैथ्स की क्यों ज्यादा हो जाए उसके बारे में भी मैं आपको बताऊं। वैसे ज्यादा चांस है 25-25 सिमेट्री लेके ही हम लोग चलेंगे। 1186 पद कम नहीं होते हैं, 881 हिंदी के लिए, 305 इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए हैं। अगर हम ग्रुप सी की बात करें तो इसमें देखो दो चीज किया है, एक क्या किया है, जूनियर असिस्टेंट, और जूनियर असिस्टेंट भी पे कई सारे पद हैं, जैसे आमीन का है, और भी सारी चीजें हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा, और पेड अप्रेंटिस है। मतलब 1021 जो पद है वो जूनियर असिस्टेंट पे सिलेक्ट होंगे, इसके ऊपर वो क्या करेंगे, पेड अप्रेंटिस करेंगे। मतलब बच्चा अप्रेंटिस करेगा और उनको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक अप्रेंटिस का भी फॉर्म इसी में इंक्लूड कर दिए, तो आप आओगे कुछ ना कुछ आपके हाथ लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप खाली हाथ जाओगे, भले ही 1 साल 2 साल 3 साल 6 महीने जो भी है वो कोर्स उनका ड्यूरेशन रहेगा, उतने तक वो आपको पे करेंगे, और आपको अच्छा खासा कहीं ना कहीं वहां पे अप्रेंटिस का आइडिया भी हो जाएगा। तो इसमें क्या चाहिए, इसमें केवल इंटरमीडिएट चाहिए, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन उसके समकक्ष भी चल जाएगा। टाइपिंग आपकी चाहिए हिंदी में 25, इंग्लिश में 30, स्टेनो में भी 25 और 30। अब देखो ग्रुप सी में क्या होगा, एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, 4 सेक्शन पूछेगा, मैथ्स इंग्लिश हिंदी और जीएस। उसके बाद देखा जाए तो वो 100 नंबर का होगा, निगेटिव 0 है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, यह भी आप ध्यान दे लेना। और फिर आपका 25 नंबर का हिंदी टाइपिंग और 25 नंबर का इंग्लिश टाइपिंग, दोनों ही टाइपिंग कंपलसरी है। बच्चे ये पूछते हैं, सर जी क्या मैं हिंदी ही टाइपिंग करूं, क्या मैं इंग्लिश ही टाइपिंग करूं, तो बच्चों ऐसा नहीं है, दोनों ही टाइपिंग जरूरी है, और हिंदी के भी 25 नंबर है, इंग्लिश के भी 25 नंबर है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि इस बार हाई कोर्ट ने क्या बोला है कि 10 नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग आपको चाहिए, किसके लिए, टाइपिंग के लिए। अगर 10 नंबर से कम इसमें रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर आप क्वालिफाई नहीं माने जाओगे और आप आगे चरण के लिए सेलेक्ट नहीं होगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों को ये लग रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की तरह ही पेपर के साथ में टाइपिंग होगा, तो बच्चों साथ में टाइपिंग नहीं होगा, पहले स्टेज वन का पेपर होगा। स्टेज वन का पेपर हो जाने के बाद में उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके 5 गुना, जितने बच्चे मेरिट में 5 गुना पे आएंगे वो 5 गुना स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। स्किल टेस्ट में पहला आपका टाइपिंग होगा, वो स्टेनो के लिए भी देना होगा, वो आपको ग्रुप सी के लिए भी देना होगा, ग्रुप डी के लिए नहीं है, इतना मैं आपको बता दूं। ग्रुप सी वाले पोस्ट पे आपका टाइपिंग है, और उसके बाद फिर आपका क्या आएगा, स्टेनो में स्टेज 2 आएगा, जो उसमें क्या होगा, स्टेज 2 में आपका स्टेनो भी रहेगा। स्टेनो की भी जानकारी अभी मैं दे दूंगा कि आपका 80 वर्ड पर मिनट और आपकी जो 40 की स्पीड होनी चाहिए वो आपको मैं बता देता हूं। लेकिन उससे पहले सुन लो कि इसमें जो ग्रुप सी है इसका जो ग्रेड पे है बच्चों वो क्या है, 1900 ग्रेड पे है, और इसकी भी एज सेम है 18 से 40। कब लिया है, 1/7/2022 पे बोल रहा है कि 1/7/2022 तक कैलकुलेट होना चाहिए, इसने थोड़ा गलत कर दिया। बाकी सारे एग्जाम क्या करते हैं, फॉर्म के लास्ट डेट तक लेते हैं, लेकिन इसने जुलाई की पहली तारीख तक लिया है, तो 1982 से लेके और 2004 तक का आपका कैप है वो आप ध्यान दीजिएगा। 1021 पद, और ये बहुत ज्यादा पद होते हैं। यहां पे जो ग्रुप सी कैडेट जो ड्राइवर वाला एक पद है इसको ध्यान देना, इसके लिए केवल 26 पद है, लेकिन इसमें मांगा क्या, हाई स्कूल मांगा है, और केवल आपके पास डीएल होना चाहिए 4 व्हीलर का, कोई भी आपका लाइट मोटर और हैवी मोटर का सीन नहीं है, आपके पास एक डीएल होना चाहिए कॉमन सा, और क्या होना चाहिए, वो डीएल 3 साल पहले बन गया हो, ऐसा नहीं है कि अभी आप तुरंत बनवा लो तब हो जाएगा। तो ये 26 पद है, एज उसकी भी सेम है, ग्रेड पे इन दोनों की लगभग सेम है, 1900 ही है, एग्जैक्टली सेम है लगभग क्या, और सारी चीजें इन दोनों का सेम है, पेपर भी सेम है। ये जो 2 और 3 है इसका पेपर भी सेम है बच्चों, यहां पर ध्यान देना, 2 और जो 3 है इसका पेपर भी सेम है, इसका टाइपिंग भी सेम है, सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। इसमें पहले ड्राइवर वाले में फिजिकल होता, मतलब ड्राइविंग टेस्ट करवाते थे, इस बार ऐसा कुछ है नहीं। आगे मैं नोटिफिकेशन पढ़ के थोड़ा इस चीज को और भी क्लियर कर लेता हूं। उसके बाद है आपका ग्रुप डी वाला पोस्ट, इसमें क्या है, ट्यूबवेल ऑपरेटर आपसे के लिए आवेदन करवाएगा, कम इलेक्ट्रीशियन, इसके लिए केवल आपका आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना, आईटीआई होना चाहिए। जूनियर हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल मतलब क्या होता है बच्चों, 8th होता है ना कि 10th होता है, ये ध्यान देना।
कभी भी आईटीआई की एलिजिबिलिटी 10th नहीं होती है, 8th होती है। अगर अच्छा कोई भी 8वीं पास है तो वो आईटीआई के लिए एलिजिबल होता है। आईटीआई जो होता है वो 10th के समकक्ष होता है। तो उसने क्या बोला, जूनियर हाई स्कूल मतलब 8वीं पास हो विथ 1 ईयर सर्टिफिकेट फ्रॉम आईटीआई और फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट इक्विवेलेंट देयर टू, उसके इक्विवेलेंट किसी से होना चाहिए। तो इन दोनों को मिला लेंगे तो वो 10th हो जाएगा, लेकिन आपका आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल कोई 10th ही पास हो तो कर सकते हैं। किसके लिए बच्चों, केवल ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए और इलेक्ट्रीशियन के लिए, और के लिए नहीं। प्रोसेस सर्वर है तो इसके लिए प्रोसेस सर्वर मस्ट है पास्ट हाई स्कूल, इसमें 10th चाहिए। इसमें क्या चाहिए, 10th चाहिए, क्योंकि इसमें आईटीआई नहीं मांगा है इस कारण से 10th चाहिए। इसमें आईटीआई मांग लिया था तो आईटीआई ऑलरेडी 10th के सर्टिफिकेट की इक्विवेलेंट होता है, इस कारण से क्या हो जाएगा, वहां पे केवल 8th मांगा है। ऐसे ही ऑर्डरली पीओन ऑफिस पीओन फेरस, इसमें तीन के लिए ये पूरे जो है 1700 पद है 1699, इसके लिए भी 8th मांगा है, इसके लिए भी 8th मांगा है और इसके लिए भी 8th मांगा है। इसमें तो क्लास 6 ही मांगा है, इसमें क्या मांगा है, इसमें 6वीं क्लास ही मांगा है। किसके लिए, स्वीपर के लिए कम फरास के लिए, ये स्वीपर और फराज के लिए क्या मांगा है, 6वीं मांगा है। बाकी चौकीदार हो गया, वाटरमैन हो गया, स्वीपर हो गया, माली कूली मिस्ट्री लाइट, इसके लिए क्या है, 10th मांगा है। और इसकी जो ग्रेड पे है वो ज्यादा कम भी नहीं होती। अब आप सोचो ये ग्रुप सी है, ये ग्रुप डी है, केवल 100 रुपए का ग्रेड पे का अंतर आता है। ये 1900 है या 1800 है, बाकी सब कुछ सेम होता है। 100 रुपए ग्रेड पे कम होने से मान के चलो 2500 का फर्क आता है, ज्यादा का फर्क सैलरी में नहीं आता है, बाकी सब लगभग वही रहेगा। करीबन 32-33 हजार सैलरी बनेगी इनकी भी, 30-29 हजार सैलरी, 28-29 हजार सैलरी इनकी भी बनेगी, कोई वो नहीं है। बाकी सारी चीजें आशीष सर आपको जॉब प्रोफाइल इन सब के बारे में सब डिटेलिंग दे देंगे, कैसा क्या करना है बाकी। तो ये एक बेसिक रहा। अब मैं आपको कुछ मेन चीज आपको दिखा देता हूं, मेन चीज क्या है वो भी आप देख लो कि एक थोड़ा थोड़ा जो ग्रुप सी है इसमें ये बाकी सारी चीजें हैं, ये उनका पूरा जो नोटिफिकेशन आया है। एक बहुत जरूरी चीज यह है कि आपको फॉर्म भरने के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा बच्चों, तो इसके लिए लेट मत करो। आज से ही फॉर्म फिलिंग चालू है, केवल 13 नवंबर, मतलब 14 दिन केवल आपको दे रहे। इवन आपको ये मान के चलो कि फॉर्म करेक्शन और सब कुछ लेके वो केवल कितना दे रहे हैं, 15 दिन दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं, 15 डेज आपको दे रहे हैं। तो आप अंतिम समय के लिए इंतजार मत करना। 18 से 40 की उम्र है और इस बार सब कुछ समकक्ष भी हो गया ट्रिपल सी के, इसके सब लोग तैयार है। बच्चे बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं। 19 में वैकेंसी आई थी, 19 के बाद से वैकेंसी आ रही है अब। तो इस बात को आप मानते हुए चलना कि इस बार इसमें फॉर्म कम से कम 12 लाख 15 लाख या हो सकता है ओवरऑल इतनी अच्छी वैकेंसी है 20-22 लाख भी पहुंच जाए, तो ये जो आएगा मैं आरटीआई भर के आपको क्या कर दूंगा, उसका जवाब दे दूंगा। लेकिन बहुत ज्यादा फॉर्म भरने वाले, इस कारण से लास्ट में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो लेट मत करना, फॉर्म अभी से भर दो। फॉर्म क्या है, जो आपका ग्रुप सी वाला है उसका 850 रुपए है, स्टेनो वाला का 1000 रुपए है और एससी एसटी यूपी के लिए 650 है। ये चीज आप देख लीजिएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां पे अगर देखें तो बाकी कोई चीज नहीं बताया है, कि ना ही एडमिट कार्ड, ना ही एग्जाम की डेट, ना ही कुछ बताया है। सारी चीजें अभी पेपर क्या होगा, पेपर ओएमआर बेस्ड होगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। लगभग मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है, कुछ अलग से जानने की जरूरत नहीं है। बस ये मैं बता दूं कि स्टेनो और इन सबका जो टाइपिंग और वो है वो आपको दिखा दूं, बताना नहीं है, केवल दिखाना है। एक चीज इसने लिखा था ग्रुप सी जो जूनियर असिस्टेंट वाले में, इंटरमीडिएट विद स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी अलोंग विद ट्रिपल सी सर्टिफिकेट। उसके बाद क्या बोला है, दूसरे में बोला अरिथमेटिक मेंसुरेशन एलिमेंट्री लैंड सर्वेइंग एंड मैपिंग, ये लिखा हुआ है। तो ये बच्चों किसके लिए लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं, इसमें एक पोस्ट है अमीन का पोस्ट है। उसमें क्या है, उसमें मैथ्स का 12th में मैथ्स होना कंपलसरी है। आप ऐसा नहीं फॉर्म भर सकते हो, वो ऐसा अलग से फॉर्म नहीं भरवाएगा, लेकिन जब आप मेरिट में सेलेक्ट किए जाओगे तो जिनके पास 12th में मैथ्स होगी वही उस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे, वरना वो एलिजिबल नहीं होंगे। या फिर आप 12th में मैथ्स हो, या फिर आपका इन विषय में कहीं किसी में पढ़े हो, तो वो जाकर आपका होगा, इस कारण से एक्स्ट्रा लिख दिया। बाकी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल अमीन वाले पद के लिए इस बात का ध्यान देना। बाकी जो 12th किए हैं उसमें तो वो तो 12th में मैथ्स लिए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। पेड अप्रेंटिस के 202 पद है, देखिए इसमें 819 पद है, 1001 जो बोला था टोटल, और जो 202 पद है ये पेड अप्रेंटिस के निकाले गए हैं। इन 202 पद पे भले ही आप यहां पे सेलेक्ट कोई नहीं होगा तो 202 पद यहां पे आएगा, मतलब टोटल वो उनको मिलेगा चांस, ये बात आप समझिएगा। इसका भी ग्रेड पे 19 ही है और इसके लिए भी इंटरमीडिएट होना चाहिए। देखो यहां पे है ना, यहां पे भी क्या है, इंटरमीडिएट, यहां पे भी इंटरमीडिएट, ट्रिपल सी 25 वर्ड हिंदी में, 30 वर्ड इंग्लिश में चाहिए। बाकी कुछ खास नहीं है, बाकी सब रिजर्वेशन है। मैं आपको ये दिखा दूं कि एग्जाम पैटर्न जो है ठीक, ये भी कुछ नहीं है। ये देखो यहां पे मैंने बताया ना, जूनियर असिस्टेंट अमीन ग्रेट सेकंड,
इसके लिए केवल मैथ पूछेगा, बाकी कॉपीस्ट है, सिविल एंड पुलिस डायरी, असिस्टेंट अकाउंट क्लर्क, इन सब में कोई जरूरत नहीं है। और इसीलिए केवल जो मैथ्स वाला, मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट इन द इंटरमीडिएट इज नॉट कंपलसरी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट बट फॉर द पोस्ट ऑफ अमीन ग्रेड टू। बाकी जूनियर असिस्टेंट केवल अमीन ग्रेड टू है उसके लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए रेगुलर ही चाहिए। और पेड अप्रेंटिस में तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बात आप ध्यान देना, केवल इंटरमीडिएट हो, काम खत्म, ठीक, इस बात को ध्यान देना। हाँ, ये देखना प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें जो एनसीसी वाले होते हैं उनको दिया जाता है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। एक बार मैं आपको ये दिखा दूं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। 90 मिनट का बच्चों पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा, निगेटिव जीरो है, 100 नंबर आपका यहां पे रहेगा, 25 नंबर हिंदी टाइपिंग, 25 नंबर इंग्लिश टाइपिंग, दोनों ही टाइपिंग कंपलसरी है, और 10 नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग है टाइपिंग के लिए। अब टाइपिंग का सब ये बात समझिएगा कि टाइपिंग के लिए क्वालिफाइंग है, इसका मतलब कि ये एरर वाला कॉन्सेप्ट इनका टाइपिंग में है कि अगर आप गलती करोगे तो आपका मार्क्स यहां पर डिडक्ट होगा, वरना ये मार्किंग स्कीम नहीं कर पाएंगे। तो ये मार्किंग स्कीम एरर पे होगा, टाइपिंग आपके टफ है। जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में एक गलती पे 10 गलती पे 0.1 नंबर कटता था, 10 गलती अगर करते थे तो 0.1 नंबर ऐसा करके कटता था समथिंग, या एक गलती पे 0.1 था 10% ऐसा करके मार्क्स डिडक्ट होते थे कुछ, वैसे होगा। उसकी मैं डिटेलिंग अलग से वीडियो आपको बना के दे दूंगा अभी, क्योंकि मुझे इसमें कहीं मिला नहीं बच्चों, वरना मैं आपको यहां पे बता देता टाइपिंग वाले में, वरना मैं उसको बता देता कि कैसे इसका मार्किंग होगी, बट ये मैं एक अलग से ही वीडियो बना दूंगा, तो इसलिए बोलो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको सारी चीजें वहां पर मिलती रहे। बट यहां पर 25-25-50 टोटल जो पेपर होगा वो 150 नंबर का होगा, टोटल पेपर जो होगा वो 150 नंबर होगा, ये ग्रुप सी के लिए होगा। और पिछली बार इसमें कट ऑफ गई थी वो 120 प्लस के आसपास, 122-121 गई थी, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, बट 120 के फिगर में था 150 में से। और ध्यान देना ऐसे ही जब आप क्या करोगे, ये स्टेज वन है, और स्टेज वन हो जाएगा इसका रिजल्ट आएगा, इसके रिजल्ट के बेसिस पे 5 गुना बच्चे किसके लिए बुलाए जाएंगे, टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे, तो ये अलग होगा, इसके लिए 1-2 महीने समय मिलेगा। मतलब जिसको टाइपिंग नहीं भी आती है वो टाइपिंग सीख लो, अभी आपके पास कम से कम 5-6 महीने है टाइपिंग होने के लिए, तो अगर चिंता मत करो। और फॉन्ट जो है इसका मंगल है, मंगल इंस्क्रिप्ट है, और ये मैक्सिमम बच्चे इस चीज को सीखे होते हैं, जो नहीं सीखे होते हैं वो आसान होता है, मैं बोल दूं कि आप सीख लो, 5-6 महीना आपके पास समय है तो देर मत करो, ठीक है। ऐसे ही मैं यहीं पे बता दे रहा हूं, जो स्टेनो होता है, स्टेनो में ये पार्ट भी है ये पार्ट भी है, इसके अतिरिक्त क्या आ जाता है, एक स्टेनो का स्किल टेस्ट आ जाएगा इंग्लिश के और हिंदी दोनों के लिए, 80 वर्ड पर मिनट। और चलो मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूं, ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूं कि जो स्टेनो वाला है ये है, ये है स्टेनो वाले में क्या स्टेनो मांगा है, ये चीज आप देख लो जल्दी से, बस यहीं पे सारी कंफ्यूजन आपकी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, वरना वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो कोई मतलब आपके लिए रहेगी नहीं। तो 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड हिंदी में, और 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग चाहिए हिंदी में, और इंग्लिश के लिए 100 वर्ड पर मिनट, और इसके लिए 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग इंग्लिश और कंप्यूटर चाहिए, 50 नंबर का होता है, मतलब वो आपका 150 नंबर का है, ये 200 नंबर का है। और पिछली बार इसके लिए जो कट ऑफ गई थी वो 142 गई थी, कितनी गई थी, 142 गई थी, आउट ऑफ कितने में से, 200 में से, किसमें, 200 में से 142 गई थी, ये बात समझना। और कुछ पद के लिए तो 162 गई थी, मुझे ध्यान आ रहा है, तो ये इसमें एक बात समझना कि जो कट ऑफ होती है वो बहुत हाई होती है, बहुत हाई जाती है, तो आपको सब में करना है। और इसमें भी 50 नंबर की स्कीम है, इसका भी मैं बता दूंगा मार्किंग स्कीम कैसे होगा इसके लिए, हालांकि कोई क्वालिफाइंग नहीं दिया हुआ है इसमें, 50 नंबर अगर आप कर ले जाओगे तो 50 नंबर मिल जाएगा, नहीं कर पाओगे तो 50 नंबर नहीं मिलेगा, काम खत्म, वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ये बात आप समझना। और निगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है, बाकी आपका जो बचता है वो आपका बचता है एक ड्राइवर वाला और एक ग्रुप डी वाला। ग्रुप डी में क्या होगा, ग्रुप डी में क्योंकि कोई वो आपका स्किल टेस्ट नहीं है, इसीलिए आपका स्टेज वन और स्टेज टू दोनों एक ही जैसे दो बार होगा, मतलब दोनों बार ओएमआर बेस्ड पेपर होंगे, और दोनों ही बार ओएमआर बेस्ड पेपर होंगे, ये आप देखो दोनों ही पैटर्न सेम रहेगा, 100 तब भी रहेगा, 100 अब भी रहेगा। अंतर यह है कि सपोज करो कि इसका पेपर कब होता है, मार्च में होता है, फरवरी मार्च मान के चलो इसमें पेपर आपका होगा, फरवरी या मार्च में आपका पेपर होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, फरवरी मार्च में रिजल्ट आएगा, इसका 5 गुना बच्चा बुलाया जाएगा और इसमें होगा, और फिर इसका रिजल्ट जो आपका आएगा वो आपका मई तक आएगा, इसका जो पेपर होगा वो अप्रैल में करवाएंगे, अप्रैल मई में, और तुरंत इसका रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे, मतलब आपका टाइपिंग होते ये सब होते आपका जाएगा अगला जून जुलाई जाएगा, इतना बात समझना। बट आपका पेपर जो पहले स्टेज का है वो आपका फरवरी मार्च है, मतलब आपके पास अक्टूबर खत्म हो गया, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीने आपको समय मिल रहे हैं, इस बात का ध्यान देना। तो स्टेज वन स्टेज टू सेम है, दोनों में ही निगेटिव नहीं है, दोनों ही
पे, मतलब एग्जैक्टली जैसे स्टेज वन है वैसे ही स्टेज टू है, ये ग्रुप डी के लिए। बाकी एक मैं आपको जो बच रहा है ड्राइवर वाला वो भी थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं, ये वाला ठीक, इसमें भी सेम है, सब कुछ सेम है, 18 से 40 उम्र है, ग्रेड पे केवल यहां पे वो हो गया है, बाकी सब कुछ सेम है। 1900 ग्रेड पे भी यहां पे वही है, रिजर्वेशन भी यहां पे वही है, और जो पेपर है यहां पे ये देख लो बस, थोड़ा सा यहां पे क्या मांग लिए हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन हाई स्कूल होना चाहिए और उसके बाद इनके पास क्या होना चाहिए, डीएल होना चाहिए बस। बाकी तो ये क्या है, ये डिजायरेबल नॉलेज है कि रीड एंड राइट हिंदी, बाकी पॉजिटिव और स्ट्रांग फिजिक होना चाहिए, ये थोड़ा हट्टा कट्टा रहेगा तो उसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, और ट्रैफिक रेगुलेशन का नॉलेज होगा मोटर व्हीकल का तो उसे और प्रायोरिटी दी जाएगी, ये वहां पे छोटा मोटा टेस्ट करवा लेंगे या कोई सर्टिफिकेट होगा तो हो जाएगा। बाकी सारी चीजें सेम है, पेपर भी इसका वैसे ही होगा, 100 क्वेश्चन का देखो आपका सब कुछ वही है, 90 मिनट का यहां पे भी है 100 क्वेश्चन, और टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट है यहां पे, टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट है, कैंडिडेट विल हैव टू क्लियर द टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द सिलेक्टिंग अपॉइंटिंग अथॉरिटी, मतलब कि ड्राइविंग टेस्ट भी यहां पे करवाया जाएगा, तो वहां पे कुछ आपसे ड्राइवर करवाएंगे, ये चीज समझिएगा, ड्राइवर के लिए पोस्ट के लिए केवल है। तो ये आपकी सारी डिटेलिंग मैंने दे दिया है, अब बात आती है कि तैयारी कहां से करो, तो बच्चों इसकी एक बार हमने बैच ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो खत्म हो चुका है, इसका हम लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सिटी बैच 2.0 आज ही लॉन्च हो जाएगा, और अब लेट मत करो, बहुत अच्छी वैकेंसी है, और परीक्षा प्लस इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसीज के लिए आज नहीं पिछले 3-4 साल से जाना जा रहा है, सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला इलाहाबाद हाईकोर्ट में, वो चाहे ग्रुप सिटी पहले आई हो या इलाहाबाद हाईकोर्ट आरो 2017-18 वाली रही हो, उसमें भी सर्वाधिक सिलेक्शन था, या इस बार जो आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट इसमें भी सर्वाधिक बच्चों सर्वाधिक सिलेक्शन ही परीक्षा प्लस ने दिया है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का टैग एक जो है कहीं ना कहीं परीक्षा प्लस की बात है, और आपसे कोई बात छुपी नहीं है, सब कुछ आप जानते हो, और मैं चाहूंगा कि बहुत अच्छी तरीके से टीम एक बार फिर से उसी ऊर्जा उसी मेहनत के साथ तैयारी करे। इंग्लिश में आपको सर्वे सर पढ़ाएंगे, मैथ्स आपको मैं खुद पढ़ाऊंगा, जीएस में आपके विभिन्न फैकल्टी हैं, अनु सर हैं, रमन सर हैं, आशीष सर हैं, कुछ पोर्शन मैं भी लूंगा आपके बाकी जो फैकल्टीज हैं, और आपका जो हिंदी है वो रमन सर पढ़ाएंगे और अरुण सर मिलकर पढ़ाएंगे, तो ये आपका एक समग्र रूप से बहुत अच्छा बैच बनने वाला है, बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है, आज ही आप जुड़िए। करना क्या है आपको, परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करना है, क्या करना है, परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक, परीक्षा प्लस ऐप आपको डाउनलोड करना है, कहां से, गूगल प्ले स्टोर से, और जो 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 डाउनलोड किए हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं, परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे आप कोर्सेस में जाएंगे, जैसे ही कोर्सेस में जाएंगे ASCCND 2.0 के नाम से आपको एक बैच मिलेगा, इस बैच में आप रजिस्टर करना शुरू कर दीजिए, इसकी प्राइसिंग सब कुछ आपकी बहुत मिनिमम रखी गई है, सबसे न्यूनतम फीस में, मिनिमम फीस में हाईएस्ट क्वालिटी देने का जो हमारा प्रयास रहता है ना, वो हम यहां पे फिर से देंगे, ये बात आप समझने, मिनिमम फीस हाईएस्ट क्वालिटी देने की एक जो गारंटी है, और सर्वाधिक सिलेक्शन, एक बात मैं पहले ही बता दूंगा, जिनको ये लग रहा होगा कि मुझे भैया केवल एरे गैरे की तरह ऐसे भर देना है सिलेक्शन नहीं लेना है, वो बैच मत खरीदेगा, क्योंकि वहां पे हमारा रिकॉर्ड खराब होता है, हम इसमें दम तोड़ मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, चाहते हैं जितना बच्चा हमसे एनरोल्ड हो जाए उन सभी का मैं सिलेक्शन करवा दूं, ऐसे फालतू लोगों को आप मत लीजिएगा, वो मैं आपको बोल दे रहा हूं, क्योंकि इससे पहले बैच में हो चुका है, इस कारण से मैं बोलता हूं, और अगर ऐसा होता है तो मैं बीच में ही फीस रिटर्न कर देता हूं, ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए बाकी सारी चीजें हम लोग बहुत विधिवत तरीके से करेंगे, ये तो एक अल्टीमेटम देना होता ही है, बहुत विधिवत तरीके से सब कुछ करेंगे, और आप तैयारी अभी से स्टार्ट हो जाइए, जुट जाइए, लग जाइए, कुछ भी छोड़िए मत, और बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें आप सिलेक्शन लीजिए, शायद ये चांस दोबारा फिर 4-5 साल बाद ही आएगा, फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, शुभ दिन।